आज कॉरपोरेशन बर्खास्त होके 1.5 साल हो गया। लेकिन जब ये थे तब भी बोला गया, बताया गया। अच्छा। उनको ला के ये सब गली जगह गटर सब दिखाया गया। इसके बावजूद भी हमने 6-8 महीना पहले गोडोर के वो साइड का पूरा गटर का हमने अभी काम करवा के लिए। ये सब तकलीफ है, गटर भर जाती है, घर में पानी आते, कीड़े चलते है। हाँ। यही बात की तकलीफ है हम लोग को, बकरा के दो या गटर बना के दे दे। अभी 8 दिन के अंदर काम चालू होने वाले वहाँ पे। अब काम नहीं होएगा ना तो इंशाल्लाह वहाँ नहीं जाएंगे नगर सेवक, यहाँ महानगर पालिका में शिकायत करेंगे। 15-20 साल हो गए हमें शादी करके आए, कि जब से एक बार भुट्टा बनाए न गटर बनाए यहाँ पे। बिल्कुल जाते हैं वहाँ पे, वहाँ के हम खुद उनके जाते हैं, कभी कभी पर्सन हम लोग प्राइवेट आदमी भी लगा के काम करवा के लेते हैं। वहाँ डाले मदरसे से ऊपर से लेके नीचे मदरसे तक, वहाँ से टॉप मार के यहाँ तक लाओ, 40-45 हज़ार रुपये में एक टॉप हमारे को घर तक का आता है। नहीं, उधर एक पुरानी लाइन वहाँ तक आई है, मगर अभी वहाँ वो चौक पे है कि चालू है अभी, वहाँ तक मेरे को मालूम नहीं है, उसकी मालूमात मेरे को थोड़ा लेना पड़ेगा। तो डब्बा हमको लगता है ना इमरजेंसी, कभी कुछ हो गया, मौत मट्टी हो गई, शादी ब्याह हो गया, उसके लिए अपन को लगे ना डब्बा। और मैं उधर के लोगों को बोला कि 8-10 दिन में काम चालू होने वाला है, मगर अभी जो सब कर रहा है ये कोई जानबूझ के, अभी वो सब इलेक्शन आए नज़दीक तो उनकी रोटी सेकने के लिए काम कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज। जमजम मोटर्स अपने कस्टमर्स के लिए लाए हैं दिवाली बम्पर ऑफर। अब केवल 5,000 रूपए के डाउन पेमेंट में पाइए सुजुकी एवनेस, टीवीएस जुपिटर, हीरो जूम, बजाज सिटी 100, हीरो HF डीलक्स। साथ ही आपको मिलेगा लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इजी फाइनेंस, स्पॉट अप्रूवल और स्पॉट डिलीवरी। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट कीजिए एट शॉप नंबर 1 गिरिराज कॉम्प्लेक्स, जैन कॉलोनी, अपोजिट SC स्टैंड, भिवंडी। दूसरी ब्रांच बाइकर्स पॉइंट, नियर एक्सिस बैंक ATM, दरगाह रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम आए हैं भिवंडी के मौलाना आज़ाद नगर मजदूर कॉलोनी में। ये मौलाना आज़ाद नगर वार्ड नंबर 4 में आता है और ये ST स्टैंड के बिल्कुल सामने जो वितलपाड़ा है उससे लगकर जो ये इलाका है। और यहाँ पे हम लोगों को शिकायत आ रही थी कि लगातार जो है यहाँ के तकलीफ जो है, यहाँ पे गटर की जो तकलीफ़ है, यहाँ पे जो छोटी छोटी गलियाँ हैं तो गलियों के नीचे जो वहाँ पे जो गटर बनी हुई थी वो सारी के सारी गटर जाम है और पूरा पानी जो है पानी ऊपर आ जाता है, लोगों के घरों में घुसता है पानी, साथ ही साथ में कीड़े निकल के आते हैं गटर में से, बाहर निकल के आते हैं। 15-20 साल हो गए, लोगों का कहना है कि ये जो गटर है ये साफ़ नहीं हुई है और उस वजह से जो है लोगों ने तोड़कर जो अपने हाथों से स्लैब को तोड़कर जो है गटर को साफ़ किया है, लेकिन उसके बावजूद अब गटर तो गटर है, भरी जाएगी। तो यहाँ पर लोगों की क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, वो हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पर आए। क्या तकलीफ है खाला? गटर की है, रोड की है। हाँ। गंदगी बहुत है। अच्छा, ये गंदगी कब से है? कब से क्या, इलेक्शन नहीं चला तो उसी है। अच्छा। करेंगे तो उम्मीद रखी, किसकी उम्मीद पूरी नहीं हुई, तुम्हें करो। ठीक है, तुम्हारी उम्मीद रखती हूँ, तुम्हें करो। भाई क्या क्या तकलीफ है? यहाँ गटर की तकलीफ है और घरों के सामने कोबे की तकलीफ है, औरतों को बच्चों को चलने फिरने परेशानी है। 2-4 औरतें तो यहाँ गिर भी गई, किसी के घुटने में दर्द, किसी के पैर में दर्द, और गटर के लिए, कोबे के लिए, मरकड़ी लाइट के लिए या पानी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए बोलने जाओ तो समझो 1 से 10 बार जाना पड़ता है। कहाँ पे जाओ तो जाना? वार्ड के जो जिम्मेदार है। अच्छा, इस वार्ड का कौन जिम्मेदार? इस वार्ड के 4 जिम्मेदार है पैनल के इलेक्शन के हिसाब से। अभी तो इलेक्शन ख़त्म हो गया तो अब तो कोई जिम्मेदार है नहीं इस वक्त, नहीं है। हाँ। लेकिन जब ये थे तब भी बोला गया, बताया गया। अच्छा। उनको ला के ये सब गली जगह गटर सब दिखाया गया जी। हो जाएगा आगे, हो जाएगा तो आगे। जो गली है ये कब से नहीं बनी? मेरे ख्याल से कम 15 साल के ऊपर ही हो गया होगा। 15 साल से गली नहीं बनी। नासिर पप्पू के हाथ का था मेरे शायद, जहाँ तक मेरा ध्यान है। अच्छा। उसके बाद में यहाँ कुछ काम ऐसा हुआ नहीं। यही जिसके घर का कुछ काम निकल गया, मट्टी डाले, लेवल करे और 2-4 जन को 100-150 दे के गटर साफ करा ले, बस ऐसे चल रहा है। 3 महीने में 2 महीने में कोई ना कोई एक बार आता है, 2-4 आदमी। अच्छा, ये तो ठीक है। आप बता रहे हैं कि जो नगर सेवक हैं यहाँ के उनके पास आप गए थे, उसके अलावा आप महानगर पालिका में कोई शिकायत किए? नगर सेवक से बात करें, महानगर पालिका में शिकायत नहीं करें। अब काम नहीं होएगा ना तो इंशाल्लाह वहाँ नहीं जाएंगे नगर सेवक, यहाँ महानगर पालिका में शिकायत करेंगे। जी, और पानी की भी बड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है पानी की? पानी की जो 4 का लाइन डाले थे पाइप, वहाँ डाले मदरसे से ऊपर से लेके नीचे मदरसे तक, वहाँ से टॉप मार के यहाँ तक लाओ, कम से कम 25,000 रुपया
25,000 रुपये का पाइप लग जाता है, 10,000 रुपया प्लम्बर ले लेता है। उसके बाद जिनके दरवाजों के सामने से जाता है वो बोलते हैं यहाँ से तभी ले जाना जब यहाँ कोबा करके दोगे, उसकी प्राइस लगभग 2,000-3,000 रुपया होता है। 40,000-45,000 रुपये में एक टॉप हमारे को घर तक का आता है। तो ये यहाँ पे जो रोड है जिस तरह जैसे भी हम लोग आए तो यहाँ तक पाइप नहीं आया है क्या, लाइन नहीं आया है? नहीं, मस्जिद तलक का है और उसमें पानी बरोबर आता नहीं, इसके लिए हम लोग को आगे जाना पड़ता। और यहाँ वालों का हाल तो ये है कि बेताल पाड़े से भी लेके आना पड़ता पीने का पानी, जाते हैं यहाँ की औरतें। मतलब पानी की बोलो, गटर की बोलो, हर तरह की तकलीफ, हर तरह की तकलीफ ये गली में तो कुछ जरूरत से ज्यादा है। बच्चे लोग गिरते हैं, छोटे छोटे बच्चे गिरते बीमार होते हैं, हमेशा दवाखाने में भरना पैसा। हाँ, कैसा करना बोलो, कैसा रहना है फिर, कैसा रहना है क्या बोलने का भैया? दिख रहा है ना, देखो ना, गटर बनाने का है, वट्टा बनाने का, कोई आता नहीं, खाली आते बुला के लोग घर पे 100 बार जाएंगे, जब आते देखते चले जाते। आप लोग गए थे क्या किसी को बुलाने के लिए? नहीं, अभी भैया कितनी बार जाते सब मिल मिल के, औरत लोग जाते घर पे उनके, बुला के लाते दिखाते, कोई कुछ नहीं करता है यहाँ पे। और जब कितने 15-20 साल हो गए हमें शादी करके आए, कि जब से एक बार भी वट्टा बनाए न गटर बनाए यहाँ पे, इतनी तकलीफ है। रात पे बुढ़ा इंसान भी गिरेगा तो किसी को, हम लोग बाहर से मट्टी उठा उठा के लाके यहाँ सब गटर पे डाले, पूरा पानी भर जाता है। देखो ये पूरा गटर है कि गटर कहीं कोने में? गटर उधर है, पूरा भर के पानी आ जाता है, सब टूट गया है वो। ये पूरा ओवरफ्लो होता है क्या? पूरा नल आ गया ना, हाँ, तो पानी निकल के पूरा बाहर आ जाता है। अच्छा, अभी कोई बार डालेंगे तो मतलब सही रहेगा ना? कोई बार नहीं, ये ना गटर है, गटर भी बहुत एक हाथ भी अंदर नहीं होगी तो भाई 15-20-25 साल में क्या होगा, गटर ऊपर ही आ जाएगी ना। देखिए दोस्तों, ये गटर है और गटर दिख भी नहीं रही है। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ नाम का चेंबर लगा हुआ है, पूरी भरी हुई है, खचाखच भरी हुई है और इसके अंदर गंदगी इतनी है और पूरा पानी भर जाता है। इनका कहना है कि पूरा पानी जो है यहाँ पे रोड पे गली में आ जाता है। तो कचरा तो आप लोग का ही रहेगा ना, यहाँ पे आप लोग रहते हो तो कचरा नहीं, चूहे खोद खोद के गटर में से निकाल, चूहे खोद खोद के गटर में कितनी बार हाथ से निकालेंगे तुम्हें बताना। अच्छा, आप लोग भी साफ किए क्या इसको हाथ से? पानी भर जाता है इधर, चलने फिरने वालों को तकलीफ होती है ना, बुढ़ा इंसान कोई भी गिरेगा तो सबको परेशानी है ना। 15 बोल रहे मत बेकर, ऐसा आया था बीच में इतना गंदा पानी करा, टेंशन मत लेना पूरी बिल्डिंग तोड़ दूंगा बोले, लेकिन जीते आए लेकिन आया नहीं। लेकिन ये क्या बोलता है, मेरे उसके फाइनल में जाओ, उसके फाइनल में जाओ, यही है नाटक, दूसरा नाटक कुछ है नहीं है लोग का। अच्छा, मतलब लोग बोलते हैं कि ये मेरा एरिया नहीं, तुम दूसरे नहीं। हाँ। वो बोलता है उसके वार्ड में जा, वो बोलता है उसके वार्ड में जा। अरे चार का जब फाइनल बनता तो जरूरत ही क्या फाइनल बनाने की, एक ही फाइनल बना, एक ही जना बनाना, काम करो ना। सही, वो बोलता है उसके पास जा, वो बोलता है उसके पास जा, क्या हम लोग वोट देते थे 500 रुपये देते थे, हम लोग खरीद डालते क्या लोग? 500 भी क्यों ना? अरे वो लोग खुद ही देते आगे, ले लो बोल के घर तक आ गए। अच्छा, खुद ही आगे देते और क्या है, लोगों का नाम खराब कर, नाम खराब कर डालते और क्या है। अब ये गटर देखे तो इतनी बनी ली, 22 साल होने आ रहे हैं, कल भी बनाने जाओ तो बोलते कचरा नहीं निकलता है। ठीक है दोस्तों, अभी हम आपको और आगे भी दिखाएंगे क्या हाल है। देखिए यहाँ पे, ये देखो, ये ओपन पूरा गटर है, ये देखिए यहाँ पे अब ये वाकई में अगर अंधेरा होगा जरा भी तो किस तरह से जो है बच्चे गिरते होंगे। गिरते क्या तुम लोग यहाँ पे? किसको किसको लगी है सच्ची? देखो ये, अच्छा उसके ऊपर यहाँ पे जो है ओटा निकाल के रखे लोगों ने, तो इसमें और गली की जो चौड़ाई है वो कम हो गई है, आने जाने के लिए जो है यहाँ पे रास्ता कम हो गया है। देखिए ये यहाँ पे हम थोड़ा सा ये दूसरी गली भी देखेंगे, ये देखो ये इस तरह से जगह जगह पे जो है कोबा टूटा हुआ है। ये अगर पूरा अच्छे से कोबा होता है, यहाँ पे गटर के ऊपर लादियाँ रखी है पूरी, क्या क्या तकलीफ है? ये सब तकलीफ है, गटर भर जाती है, घर में पानी आते, कीड़े चलते है। हाँ। यही बात की तकलीफ है, हम लोग को कोबा करा के दे या गटर बना के दे। अच्छा। हाँ। गटर बनेगी तो ही कोबा होगा ना, खाली कोबा बना के देंगे तो गटर पूरी बना देना, एक सरी के गटर बनाएंगे तो कोबा बनेगा ना। हाँ, तो कोई आता ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, कोई आता नहीं। ये शिकायत की किसी से? सबसे शिकायत करे तो बोलते हैं अभी नहीं करेंगे। अब कैसा करेंगे आप, हम लोग क्या करना? हाँ ठीक है। तो अभी यहाँ पे मेरे को एक बात बताओ, ये कितने साल से तक? कितने साल से यार, मुझे याद नहीं है बाप, मतलब साल भूल गए तो 10 साल के ऊपर। 10 साल के ऊपर हो गए। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे आपने 10 साल के अंदर किसी को शिकायत नहीं करी? सबको करे तो कोई सुनता ही नहीं, तो हमारी शिकायत नहीं सुनते।
बोल के कुछ फायदा नहीं ना उन लोग को। गटर ऊपर हो गई है, मोहरी नीचे पूरा पानी आ जाता है, वो पूरा पानी फैलता है और कीड़े रहते हैं। देखो दोस्तों ये हाल है यहाँ पे, और इस तरह से यहाँ पे देखिए ये सब स्लैब तोड़ा हुआ है। ये स्लैब तोड़ा हुआ है ना, ये क्यों तोड़े थे स्लैब? पानी भर जाता था, पानी भर जाता था, पानी पास नहीं हो पा रहा, पानी पास नहीं हो रहा। अच्छा तो इसके लिए आप लोगों ने तोड़ दिया? तो तोड़ने के बाद भी नहीं जा रहा क्या? नहीं आ रहा ना, कहाँ आ रहा पानी? ठहरा ही है ना पानी, कहाँ से आ रहा पानी? इसका क्या आप लोगों ने किसको आखिरी शिकायत किसको? राइस शेख को बोले हम लोग। हाँ। अब राइस शेख करे या ना करे, अपना काम था बोलना। हाँ। उसके आगे उनकी मर्जी। आखिरी उम्मीद आपकी राइस शेख की? आखिरी उम्मीद। अच्छा अच्छा ठीक है। दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये पूरा स्लैब तोड़ा हुआ है, और स्लैब तोड़ने के बाद में जो है उसके बावजूद जो है गटर पूरी भरी हुई है। देखो ये जो प्लास्टिक वगैरह है तो आप लोग का ये ना, ये तो कम से कम मत डालो ना, फिर उसके बाद में तो उसके बाद में भी साफ होता है। अरे हवा से कहीं डाला रहेगा तो ही हवा में आया होगा ना, दुकान से थोड़ी हवा से आया होगा। गटर खुली है, वो मुर्गी है, चूहे हैं, बच्चे भी खेल रहे हैं, कम ज़्यादा जो है। अब कितने बच्चों को पकड़ेंगे बताओ? अब यही बच्चा देखो चल रहे पाइप पे खेल रहे हैं, कैसे मना करेंगे? ना खाया फेंका। अब देखो ये विमल वगैरह पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो अब ये तो बच्चे नहीं खाएंगे ना, तो ये सब चीज़ें ये, हाँ यही तो मैं करो ना, तो हमको भी थोड़ा सा अगर ध्यान दिया होते तो इसका 50% रहता था, इतना हमारा बोलना है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप लोगों के जो क्या कहेंगे, जो दर्द है ना वो समझ में आ रहा है। ये मतलब गंदगी हो रही है, आप बोल रहे हो प्लास्टिक झिल्ली पन्नी, हम सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे, और ये रास्ता है। 50 आदमी जाते हैं, गुटखा खाए, थूक दिए, पन्नी लाए, फेंक दिया, अब यहाँ बैठ के वॉश भी नहीं तो नहीं कर सकते ना साहब। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोगों की तकलीफ़ है वो दिख रही, नज़र आ रही है, उसके बावजूद अगर थोड़ा सा हम लोग भी ध्यान दें तो आगे जब ये बनेगा तो फिर जो है इतनी तकलीफ नहीं आएगी। और हम लोग ध्यान दिए बोल के ये जो है ना यहाँ तक का मामला ठीक है, कोई आए या ना आए हम हमारे हाथ से साफ़ कर ले रहे हैं, कम ज़्यादा हाथ से साफ कर, हाँ उड़ाल ले रहे हैं। अभी बच्चे गिर जा रहे हैं तो किसको बोलने थोड़ी जा रहे हैं भाई, हमारे बच्चे ना, हमारी तकलीफ हम उठा ले रहे हैं। वो डब्बा हमारे को इधर चाहिए। अच्छा, जहाँ पहले था डब्बा, और वो डब्बा वहीं लगना चाहिए और एक बार, ठीक है? हमको पावर की बहुत तकलीफ रहती है, कुछ प्रोग्राम फंक्शन रहता है तो पावर से क्या होता है, वो तो लाइन तो आई है तो कहीं भी आपको मिलेगा ना, डब्बे से क्या होता है? तो डब्बा हमको लगता है, हमने सर्वे किया था वार्ड नंबर 4 का, एक छोटा सा सर्वे था मजदूर कॉलोनी का, और वहाँ पे हमने दिखाया था कि बहुत सारी चीज़ें गटर टूटी है और लोगों की बहुत सारी परेशानियाँ हैं। तो उसके ऊपर जो वहाँ के जो स्थानिक नगर सेवक, पूर्व नगर सेवक थे अरुण राव साहब, तो हम उनसे चर्चा करने के लिए आए, उनसे जानने के लिए आए कि इस बात में कितनी सच्चाई है। तो हमारे साथ में अरुण राव साहब है, तो साहब आप थोड़ा सा हमें एक बताइए कि क्या क्या तकलीफें हैं, कितनी बात में सच्चाई है, क्योंकि लोगों का तो हमने देखा कि हाल वाकई में बुरा है, वहाँ पे चलने के लिए रास्ता नहीं, गटर वो है पूरी खुली हुई है, तो थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा सा बताइए। प्रज भाई मैं आपके माध्यम से मैं सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि उधर काम सही है, वो काम करने जैसा आया, काम टूटा है, आज कॉरपोरेशन बरकस होके 1.5 साल हो गया, इसके बावजूद भी हमने वो अभी 6-8 महीना पहले गोडोड के वो साइड का पूरा गटर का हमने अभी काम करवा के लिए, कॉरपोरेशन से करवा के लिए। और दूसरा अभी यहाँ का जो आप अभी आपके पास जो पब्लिक आई थी उधर सी ठीक है, वो काम करने जैसा है, मगर उधर अभी 8 दिन के अंदर काम चालू होने वाला है वहाँ पे। अच्छा, हाँ तो 8 दिन में ही काम चालू हो जाएगा उसके अंदर। लेकिन लोगों का तो कहना है कि गटर सफाई नहीं होती है, फिर बाद में और भी तकलीफें हैं, कोई देखने के लिए नहीं आता। देखिए कौन बोलता है ऐसा, भी एक आदमी मेरे पास ले बोलो जो मेरे पास आया और उसका काम नहीं हुआ है जी, यहाँ पे तकरार आई दूसरे दिन काम होता है। अभी क्या है, इलेक्शन नज़दीक आ रहा है तो ये कोई ना कोई राजकारण उसमें कर रहा है, बाकी इधर काम मेरे इधर काम उधर से तकरार आती है तो आप किताब पर फौरन काम करके बन लेते हैं वहाँ से। अच्छा, ये हमने देखा है कि वहाँ पे जो स्लैब है, गटर का जो स्लैब है वो पूरा टूटा हुआ है, पूरी गटरें भरी हुई है, तो महानगर पालिका के जो कर्मचारी सफाई कर्मचारी वो जाते नहीं है क्या गटर साफ करने के लिए? नहीं, बिल्कुल जाते हैं वहाँ पे, वहाँ के हम खुद उनके जाते हैं, कभी कभी पर्सन हम लोग प्राइवेट आदमी भी लगा के काम करवा के लेते हैं। अच्छा, हाँ, और जो टूटा हुआ गटर है ना उसका भी अभी काम थोड़े दिन में 8-10 दिन में काम चालू होने वाला है। अच्छा, दूसरा एक तकलीफ थी वहाँ पे कि ना पानी जो है ना उनको बहुत लंबे से खींच के लाना पड़ता है, तो बोले एक अगर हमको कनेक्शन लगाना है तो 40-50 हज़ार रुपये हमारा लग जाता है, तो उसका कुछ आपने सुविधा किया है क्या? मतलब वो बोलते हैं कि जो मदरसा है पीछे वहाँ से बोले हम लोगों को ना पूरा लाइन खींच के लाना पड़ता है। नहीं, उधर एक पुरानी लाइन वहाँ तक आई है, मगर अभी वहाँ वो चौकअप है कि चालू है अभी वहाँ तक मेरे को मालूम नहीं है। हाँ। उसकी मालूमात मेरे को थोड़ा लेना पड़ेगा। और
लाइन तो अभी अभी फिलहाल भी एक ग्राउंड लाइन डाली है। अच्छा, मतलब एक आठ आठ चार महीने पहले भी एक लाइन वहाँ पर डाल के चालू किया है। अच्छा, अभी उनको कौन से कौन कहाँ रहते हैं और मतलब किसको लंबा पड़ता है अभी मेरे को मालूम नहीं है। प्रॉपर अगर अगर माध्यम बोलते तो मैं मालूम पड़ता मेरे को। हाँ, हाँ। किसको कितना लंबा पड़ रहा है अभी मैं देख के बताऊंगा आपको क्या है। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछूंगा राव साहब आपसे कि ये सब चीज़ों में आपको क्या लग रहा है कि आखिर वाकई में पब्लिक को तकलीफ है कि क्या है? नहीं, जो तकलीफ है वो दिख रहा है अपने को, तकलीफ है, उसका काम भी चालू होने वाला है। और मैं उधर के लोगों को बोला कि 8-10 दिन में काम चालू होने वाला है, मगर अभी जो सब कर रहा है ये कोई जानबूझ के अभी वो सब इलेक्शन आया नजदीक तो उनकी रोटी सेकने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया।